सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 रोजा दौरे पर। 2023 से 2028 तक के लिए बिहार सरकार के जरिए तैयार करदा ज़रई रोड मैप की करेंगी नकाब कुशाई, मुतादिद दीगर प्रोग्रामों में भी होंगी शामिल। बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा आज कोटा और अजमेर डिवीजन के कारकुनों के साथ करेंगे हिकमत अमली से मुतालिक तबादला ख्याल। राजस्थान के लिए कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग आज। दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका गांधी भी आज से 20 अक्टूबर तक तेलंगाना में करेंगे इंतखाबी तशहीर। फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में आज शामिल होंगे वजीर दिफा राजनाथ सिंह। गुज़िश्ता 2 दिनों से फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजे के अलावा मौजूदा और उभरते हुए सिक्योरिटी मंजरनामे पर हो रहा है गौर खास। अमरीकी सदर के इसराइल दौरे से कबल गजा के अस्पताल पर हमला, 500 से ज्यादा लोगों की मौत। इसराइल और गजा की एक तंजीम ने एक दूसरे पर लगाए हमले के इल्जाम। अमरीका और अक्वामे मुत्तहदा ने कहा हमले की होगी जांच। जो बाइडेन के तबसरे पर रूसी सदर का रद्दअमल, पुतिन ने कहा दूसरों का एहतराम करना सीखे। आज चीन में अपने हमनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे पुतिन। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के वियतनाम दौरे का आज आखिरी दिन। कल भारतीय बिरादरी से किया खिताब, कहा दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और सकाफती रिश्तों को मिल रही है मजबूती। क्रिकेट आर्मी कप में आज चेन्नई में होगा अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला। कल खेले गए मैच में नेदरलैंड ने किया बड़ा उलटफेर, जनूबी अफ्रीका को दी 38 रन से शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। आज पटना में सदर जमहूरिया 2023 से 2028 तक के लिए बिहार के चौथे ज़रई रोड मैप का इफ्तिताह करेंगी। इसके साथ ही सदर जमहूरिया 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। इसके साथ ही वो पटना में वाकई राजभवन में बिहार के PVTG के अराकीन से भी बातचीत करेंगी। सदर जमहूरियात की शाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स पटना के पहले कॉन्वोकेशन की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। अपने दौरे बिहार के आखिरी दिन सदर मुर्मू जनूबी बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे कॉन्वोकेशन में भी शिरकत करेंगी। वजीर आजम ने भारत के गगनयान मिशन की पेशरफ्त का जायजा लेने और खलाई तहकीक में भारत की कोशिशों के मुस्तकबिल का खाका बनाने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। खलाई महकमे ने गगनयान मिशन का एक जामे जायजा पेश किया, जिसमें अब तक तैयार की गई मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज जैसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल और सिस्टम क्वालिफिकेशन शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के 3 बगैर अमले वाले मिशन समेत तकरीबन 20 बड़े तजुर्बात करने का मंसूबा है। क्रियोस्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल की पहली नुमाइशी प्रवास 21 अक्टूबर को तयशुदा है। इजलास में मिशन की तैयारी का जायजा लिया गया, जबकि 2025 में इसके आगाज की तस्दीक की गई। हालिया चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन समेत भारत के खलाई इकदामात को कामयाबी से आगे बढ़ाते हुए वजीर आजम ने हिदायत की कि भारत को अब नए और अहम अहदाफ तय करने चाहिए, जिनमें 2035 तक एक इंडियन स्पेस स्टेशन कायम करना और 2040 तक चांद पर पहले भारतीय शख्स को भेजना शामिल है। इस विजन को पूरा करने के लिए महकमा चांद के बारे में तहकीक के लिए एक मंसूबा तैयार करेगा। इसमें चंद्रयान मिशन की एक सीरीज, अगली नस्ल के लॉन्च व्हीकल की तरक्की, एक नए लॉन्च पैड की तामीर, इंसानों पर मरकूज लेबोरेटरी का क्याम और मुतालिका टेक्नोलॉजीज शामिल होंगी। वजीर आजम ने भारतीय साइंसदानों से वीनस ऑर्बिटर मिशन और मरीख लैंडर की सिमत में भी काम करने के समीत बैल सियारा जाति मिशन पर जोर दिया। भारत की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार करते हुए वजीर आजम ने खलाई तहकीक में नई बुलंदियों को छूने के लिए मुल्क के अज़्म का इजहार किया। चांद के जनूबी कुतुब पर फतेह का झंडा लहराना चंद्रयान 3 की वाहिद फतेह की कहानी नहीं है। खुद नासा ने चंद्रयान की तैयारी में किफायत शारी की भी तारीफ की है। हमारे नामनिगार विशाल बैरिस्टो ने दिल्ली में इसरो के सरबरा डॉक्टर एस सोमनाथ से खसूसी बातचीत की। चंद्रयान 3 की सफलता अब
सबकी जबान पर है, लेकिन नासा के साइंटिस्ट ने आकर भारत को सराहा है और कहा है कैसे आपने ये चमत्कार कर दिया, वो भी इतने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। मेरे साथ है इसरो के चेयरमैन, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, नासा से ये बात निकल कर आती है, हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे डिजाइन को उन्होंने, वे जो लोग नासा से आए वे अप्रिशिएट किए, उसमें हमारे का ये खुशी की बात है कि हमारा डिजाइन तो बहुत अच्छा है। ये कुछ कम एक्सपेंडिचर में कम कर सके भारत में ही, उसका टेक्नोलॉजी का क्वालिटी भी अच्छा है। सो इसके उन्होंने ये अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये बोला कि अगला ये डेवलप भारत में करे तो कुछ कम कुछ एक्सपेंडिचर में हमको ये डेवलप कर सकूंगा। ये क्या आप ये यूएस को नहीं देते, ये ऐसा एक क्वेश्चन किया। ये तो जोवियल क्वेश्चन है, तो आपको पता है अमेरिका टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। मुझे यही बताना चाहता हूं कि हमारा टेक्नोलॉजी किसी से कम नहीं है। सर, अगर एक लेमेंस लैंग्वेज में हम बात करें तो किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है, किस तरह से लोग इस बात को समझेंगे? एक जो फंक्शनैलिटी है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सभी में हमारा फंक्शनैलिटी अच्छा है, उस मीट ऑब्जेक्टिव को मीट करता है और उसका कॉस्ट है तो आधा है और 1/10 है, तो हम बोलते हैं इस कॉस्ट इफेक्टिव है। सर, एक आखिरी सवाल, चंद्रयान के बाद अब गगनयान हमारे लिए तैयार है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? गगनयान की तैयारी हो रही है, हमारा पहला टेस्ट है, इसका टेस्ट व्हीकल D1 क्रू अबोर्ट टेस्ट के नाम दिया है, उसका लॉन्च होगा ये 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से। तो आप तैयार रहिए, चांद के बाद अब गगनयान हमारी सफलता का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में आज राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम मीटिंग होने जा रही है। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब पर बातचीत होगी। मीटिंग में 106 नशिस्तों के लिए मुत्तफिका नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इससे पहले मंगल को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में मरकजी कायदीन के साथ रियासती कांग्रेस के सीनियर कायदीन बशमूल वजीर आला अशोक गहलोत ने 106 सीटों पर गौर खास किया। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को कानून साज असेंबली के इंतखाबात होने हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इख्तदार में वापसी के लिए फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। और इस बीच बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा आज राजस्थान के कोटा और अजमेर अजला के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा कोटा के लोटस अनंता इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम में शिरकत के बाद नड्डा शाम को अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ मौजूदात पर तबादला ख्याल करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ तंजीमी इजलासों में शिरकत करेंगे। इससे पहले जेपी नड्डा ने पीर को राजस्थान का दौरा किया था। जोधपुर में उन्होंने पार्टी लीडरों और उहदेदारों के साथ 3 दौर की मीटिंगें की थीं। बीजेपी जल्द ही मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की अगली फहरिस्त जारी करेगी। कल दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा की रिहायशगाह पर पार्टी लीडरों की एक अहम मीटिंग हुई। देर रात तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान समेत कई लीडर मौजूद थे। अगली खबर, वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आर्मी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। CDS जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और फिजाइया के सरबराह VR चौधरी भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। नई दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है। ये आला सतही 2 साला तकरीब भारतीय फौज के अहम पॉलिसी फैसलों पर फिक्री बातचीत की सहूलत फराहम करने के लिए एक इदारा जाती प्लेटफॉर्म है। 5 कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी कमांडर्स और दीगर आला हुकाम वर्चुअल तौर पर मीटिंग कर रहे हैं। आला क्यादत भारतीय फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के अलावा मौजूदा और उभरते हुए सिक्योरिटी हालात पर भी गौर फिक्र कर रही है। कमांडरों की कॉन्फ्रेंस अपने वसी दायराकार के साथ इस बात को यकीनी बनाती है कि भारतीय फौज तरक्की पसंद, आगे नजर आने वाली मुवाफकत पजीर और मुस्तकबिल के लिए तैयार रहे।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम के दौरे पर हैं। अपने अहम दौरे में वजीर खारजा ने भारतीय कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि आप लोग दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और सकाफती रिश्तों को मजीद मजबूत कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि G20 के जरिए आलमी सतह पर भारत के किरदार और इत्तफाकी राय पैदा करने की हमारी सलाहियत को पूरी दुनिया में सराहा गया है। खारजी उमूर के वजीर मुमलिकत वी मुरलीधरन अम्मान की राजधानी मस्कत पहुंच गए हैं। वो हुकूमत अम्मान के साथ बाहमी मफाद से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि वो अम्मानी क्यादत के साथ बामानी बातचीत और मुतनव्व भारतीय बिरादरी से जुड़ने के मौके के मुंतजर हैं। और पाकिस्तान अपनी मज़मूम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। BSF जम्मू के PRO ने बताया कि मंगल को पाक रेंजर्स ने अरेना सेक्टर में BSF के जवानों पर बिला इश्ताल फायरिंग की, जिसका BSF के जवानों ने भरपूर जवाब दिया। BSF PRO ने बताया कि फायरिंग के दौरान BSF के दो जवान जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। मेरी माटी मेरा देश मुहिम मुल्क भर में अमृत कलश यात्रा के साथ अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। इस मुल्कगीर राबता मुहिम का मकसद मुल्क के हर घर तक पहुंचना है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत प्राइमरी स्कूल के तलबा के कलश में मिट्टी अर्पित की। मेरी माटी मेरा देश मुहिम पूरे मुल्क में अमृत कलश यात्राओं के साथ अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। इस पैन इंडिया राबता पहल का मकसद मुल्क के हर घर तक पहुंचना है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत प्राइमरी स्कूलों के तलबा के कलश में मिट्टी अर्पित की। उन्होंने PMAY ODOP स्वयं रोजगार योजना, कृषि कुसुम योजना, बाबा साहेब रोजगार प्रोत्साहन योजना से भी तलबा को फायदा पहुंचाने के अज़्म को दोहराया। योगी आदित्यनाथ ने शेड्यूल कास्ट क्लास कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। हापुड़ प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BJP की रियासती और मरकजी हुकूमतें तमाम तबकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए किसी भी गरीब और वंचित को जानने का कार्य कोई भी प्रशासन और कोई भी शासन नहीं कर पाएगा, इसके लिए गौरीचंद की सरकार आपके साथ खड़ी है। सुल्तानपुर जिले के ब्लॉक बल्दी राय से भी अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जिला पंचायत सदर उषा सिंह, BJP जिला सदर डॉक्टर आर्य वर्मा और SDM बल्देराय विदुषी सिंह ने कलश यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्लॉक सरबरा शिव कुमार सिंह ने कहा कि इस यात्रा को निकाल कर हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे गांव की मिट्टी, हमारे घर और खानदान की मिट्टी कौम परस्ती का सबसे बड़ा पैगाम है। ये कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा हिंदुस्तान है और हम सब एक हैं। हर गांव की मिट्टी, हर शहीद जो हमारे बलिदान हुए, हर ग्राम सभा की मिट्टी, हर परिवार की मिट्टी, तो एक तो सबसे बड़ी जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, और ये मतलब राष्ट्रीयता के बारे में सबसे बड़ा संदेश है कि हमारा भारत देश एक है और हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि एकता में बहुत बड़ा है। आज हमारे वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। कलश यात्रा के दौरान भक्ति गीत और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। कलश यात्रा में मर्द खातिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम मेरी माटी मेरा देश के पेश नज़र 70 किलोमीटर तवील कलश यात्रा निकाली गई। अमृत कलश यात्रा के लिए 5 फुट ऊंचा कलश भी तैयार किया गया, जिसका वजन 36 किलो के करीब था। 5 फुट ऊंचा ये कलश इलाके में सब लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। नीयत ये है कि सारे युवाओं के अंदर में पूरी जागृत हो, देशभक्ति, उसके बाद में जितने वीर शहीद हों, वीर शहीदों के नमन में ये यात्रा। मुल्क के वीरों को, जद्दोजहद आज़ादी के जंगजुओं को और हीरोज को इज्जत देने के लिए 9 अगस्त 2023 को मुल्कगीर मेरी माटी मेरा देश मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत कौम की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले दिलेर अफराद को वीर कहा गया है। मेरी माटी मेरा देश मुहिम ने वसी रसाई हासिल की है और नुमाया तौर पर अवामी शिरकत के साथ कामयाबी हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT News।
नाजरीन, शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, बैन अल्कवामी खबरों की तरफ। गाजा के एक अस्पताल पर फजाई हमले में कम से कम 500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल और फिलिस्तीन ने एक दूसरे पर इस हमले का इल्जाम आयद किया है। तहम इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इन इल्जाम की तरदीद की है। गाजा शहर के अस्पताल पर एक फिजाई हमला किया गया है जिसमें सैकड़ों अफराद मारे गए हैं। इसके अलावा कई लोग शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं। हमले में हलाक और जख्मी होने वालों ने अस्पताल में पनाह ले रखी थी। उधर अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के सरबराह ने गजा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत की है। अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के सरबराह ने कहा है कि गजा की पट्टी के हर अस्पताल पर मोहलिक हमला मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिसने भी हमला किया उससे इसका जवाब देना होगा। इस बीच इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा के अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार हमास को ठहराया है। नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें अस्पताल के मुतअद्दिद ज़राए से इंटेलिजेंस मालूमात मिली हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रॉकेट के नाकाम तजर्बे का जिम्मेदार इस्लामी जहाद है। पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि गजा के अस्पताल पर हमला वैश्विक दहशतगर्दों ने किया है, ना कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने। इसराइल के वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दों ने ना सिर्फ हमारे बच्चों को मारा बल्कि अपने बच्चों को भी मारा है। अमरीकी सदर बाइडन ने गजा में अस्पताल पर हुए हमले पर अफसोस का इजहार किया है। बाइडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि खबर सुनते ही गजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके और इसमें होने वाले जानी और माली नुकसान से मैं सदमे में हूँ। उन्होंने कहा कि खबर मिलते ही उन्होंने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम और इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू से बातचीत की और अपने कौमी सलामती की टीम को यह जानने के लिए मालूम जमा करने की हिदायत भी दी कि पता लगाया जा सके कि हकीकत में हुआ क्या है। बाइडन ने कहा कि अमरीका बुहरान की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ा है। बाइडन ने अपने पैगाम में इस साने में हलाक होने वाले बेगुनाह अफराद के लिए ताजियत का इजहार किया। ख्याल रहे कि गजा के अस्पताल पर यह हमला ऐसे वक्त में पेश आया जब अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल पहुंच रहे हैं। बाइडन मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट से इसराइल के लिए रवाना हो चुके हैं। वो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में गजा के अस्पताल पर हमले के बाद जो बाइडन की उर्दन में अरब रहनुमाओं के साथ होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई है। अम्मान में उर्दन, मिस्र और फिलिस्तीन के रहनुमाओं के साथ एक सरबराही इजलास होना था, लेकिन अब उर्दन ने ऐलान किया है कि वो गजा के अस्पताल पर बमबारी के बाद इस मुलाकात को रद्द कर रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज इसराइल और गजा तनाज़े पर वोटिंग होगी। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आज ब्राज़ील की करारदाद पर वोटिंग करेगी जिसमें इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का मुतालबा किया गया है ताकि इंसानी इमदाद गजा की पट्टी तक पहुंच सके। सिफारतकारों का कहना था कि इस वोटिंग के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात और रूस की दरख्वास्त पर गजा के अस्पताल पर हमले पर भी सलामती कौंसिल में बहस मुतवक्को है। गजा के अस्पताल पर हमले में 500 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। काबिले जिक्र है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट फायर किए थे। इसके बाद इसराइली फौज ने हमास के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। हमास के हमले में इसराइल में 1300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए जबकि इसराइली फौज की जवाबी कार्रवाई में तकरीबन 3000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े पर डीडी न्यूज़ ज़मीनी सतह पर मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है। हमारे नामनिगार अमृतपाल सिंह इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में मौजूद हैं। मंगल की देर रात तेल अवीव में रॉकेट हमले के बाद लोगों ने महफूज मकामात पर पनाह ली। ग्राउंड जीरो पर मौजूद डीडी न्यूज़ की टीम की यह खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त तेल अवीव में हूँ। रात के 11 बजे हैं, यहाँ एक रॉकेट अटैक हो गया है। आप देख सकते हैं कैसे लोग सेफ हाउस शेल्टर्स में जा रहे हैं। इस तरह के जो नज़ारे हैं या इस तरह का जो अक्रेंसेस हैं वो एक कॉमन प्लेस बन गई हैं। हमास लगातार रॉकेट्स फायर कर रहा है। ऑलमोस्ट हर 30 सेकंड में यहाँ रॉकेट गिर रहा है, बराज ऑफ रॉकेट्स गिर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ सेफ शेल्टर में एकत्रित हुए हैं। ये नजारा सिर्फ तेल अवीव में नहीं, लगातार इसराइल के कई शहरों में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग इस तरह से इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। हम ये भी
देख रहे हैं कि जब इसराइल और हमास की जंग अरूज पे है, इसराइल भी लगातार गोले दाग रहा है गाजा में और वहां एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इवॉल्व कर रहा है, पर यहां इसराइल में भी लगातार लोग इन बातों से जूझ रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां तेल अवीव में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और ये रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या इस जंग का कूटनीति से कोई हल निकल सकता है, पर इस वक्त ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अपने कैमरामैन से एक बार आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाए कि यहाँ पर इस वक्त क्या नजारा है। लोग इन सायरन्स की आवाजों के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये दिन में 10-20 बार होता है, लगातार रॉकेट अटैक्स होते रहते हैं। तो ये नजारा है जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट जंग की होती है, वो दोनों साइड्स की के सिविलियंस लगातार दे रहे हैं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, तेल अवीव। और इसी पसमंजर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को के मफादात को दबाया नहीं जा सकता और अमरीकी सियासतदानों को दूसरों का एहतराम करना सीखना चाहिए। पुतिन का यह रद्दअमल अमरीकी सदर जो बाइडेन के तबसरे के बाद सामने आया है। बाइडेन ने एक इंटरव्यू में पुतिन के खिलाफ कुछ बातें कही थी, जिसके बाद पुतिन ने वाजे तौर पर कहा है कि सदर बाइडेन बिलाशुबा दुनिया के सबसे तजुर्बेकार सियासतदानों में से एक है। वह तवील अरसे से सियासत में है, वह एक तजुर्बेकार शख्स है, वो जानते हैं कि क्या अहदाफ और कैसे उन्हें तय करना है और उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है। इन तमाम हालात के दरमियान आज पुतिन चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। पुतिन इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। ये देखना बाकी है कि रूस यूक्रेन जंग और इसराइल हमास तनाज़े के दरमियान दोनों रहनुमाओं के दरमियान क्या बातचीत होती है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर। और जो पहली खबर है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। सहारा ने अपनी जो सबसे बड़ी सुर्खी बनाई है वो इसराइल से मुतालिक है। इसराइल ने अब समुद्र से भी गाजा पर हमला शुरू कर दिया है, हमास के असला साजी के तनसीबात निशाने पर। लेबनान में इस बीच हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी हमला किया गया है। नितिन याहू की संगीन नतज भुगतने की धमकी, अमरीका के कई हज़ार फौजों को इसराइल में तैनाती का इम्कान। और इसके अलावा जो अगली खबर सहारा से ही हमने ली है वो है गाज़ा पर हमले में इसराइल फॉस्फोरस हथियार का कर रहा है इस्तेमाल और अमरीकी सदर जो बाइडेन का दौरा इसराइल मतवक्को, जल्द ही वहाँ का दौरा करेंगे, तेल अवीव पहुँचेंगे। और इसके बाद जो हम खबर ले रहे हैं वो भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से है। ये वज़ीर आज़म से मुतालिक खबर है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने सरमायाकारों और ताजरों को G20 के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में शामिल होने की दावत भी दी है इस मौके पर। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड और ये एजाज़ उनको दिया। और उसके बाद की जो हम खबर ले रहे हैं वो है सहाफत से। सुप्रीम कोर्ट का हम जिस शादी को कानूनी दर्जा देने से फिलहाल इनकार है। कानून हम जिस जोड़े के शादी के हक को तस्लीम नहीं करता है, इस पर वाज़ेह कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदालत का बयान। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक दहशतगर्दी को रोकने के लिए ताउन बढ़ाएंगे, इस सिमत में पेशरफ्त की जा रही है और इस पर गौर ख्वास किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये खबर हमारी है इनकलाब से। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपीलों पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की है और ये गोधरा वाक़े से मुतालिक अपीलें हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारा समाज की खबर, मेरठ के एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 4 अफराद हलाक और 2 जख्मी। तो ये थे आज के कुछ उर्दू अखबारात और उनमें शाये चंद सुर्खियाँ। और अब खेल के मैदान का रुख करते हैं। वनडे वर्ल्ड कप में आज चेन्नई में अफगानिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अफगानिस्तान की टीम ने अपने आखिरी मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त देकर बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। ऐसी सूरत में टीम
न्यूजीलैंड का मुकाबला मजीद हिम्मत के साथ करेगी। न्यूजीलैंड की कमान एक बार फिर से विकेट कीपर की जिम्मेदारी बल्लेबाज टॉम लैथम के हाथ में होगी, क्योंकि बाकायदा कप्तान केन विलियमसन बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर के बाइस कुछ मैचों से बाहर हैं। ताहम अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ दो वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें न्यूजीलैंड दोनों बार जीत चुका है। न्यूजीलैंड ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में ही टीम जीती है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक और बड़ी तब्दीली नजर आई। धर्मशाला में खेल गए मैच में हॉलैंड ने खिताब की दावेदारी पेश करते हुए जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त दी है। बारिश के बाईस रोके गए मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत के लिए 43 ओवर में 246 रन का हदफ दिया है। जवाब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 207 रन पर ही सिमट गई। इससे कबल मैच को 43-43 ओवर करने का फैसला किया गया था, जो बारिश के बाईस ताखिर से शुरू हुआ। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान एडवर्ड ने बाद में आने वाले बल्लेबाजों के साथ शानदार शराकत दारी की और अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक ले गए। हॉलैंड की जानिब से कप्तान चार्ल्स ने नाकाबिले शिकस्त 78 रन बनाए। वैन डियर मर्वे ने 29 और आर्यन दत्त ने 23 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से लॉन्गी और मार्क क्यूएनसन और कागिस ने 2-2 विकेट हासिल किए। और अब पेश है मौसम का हाल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं गरबा के कुछ दिलचस्प रंगों के साथ।